दोस्तों बिहार में मिशन मोड में भर्ती होने जा रही है। CGL4 सचिवालय सहायक कार्यालय परिचारी सभी बहाली मिशन मोड में होने जा रही है। और मिशन मोड में ये 2,20,000 प्लस 2,80,000 और मिशन मोड में ये 2,20,000 प्लस 2,80,000। अब चलिए दोस्तों फुल वीडियो देखिए। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना सर की ओर से क्या कुछ कहा गया है देखिएगा। तो मिशन मोड में जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया है होने जा रही है। अब आप सभी सीरियस होकर अच्छे से तैयारी में लग जाइए और बाकी पहले आप सभी फुल वीडियो देखिए, फिर अन्य चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। और अब संबोधन हेतु सादर निवेदन करती हूँ मुख्य सचिव बिहार श्री अमृत लाल मीणा जी से। सर आप यहाँ आए, हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार सिन्हा जी माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री आलोक राज DGP बिहार, श्री अरविंद चौधरी, सभी सहकर्मी पदाधिकारीगण एवं सभी नवनियुक्त पदाधिकारीगण, मैं आप सभी का राज्य सरकार की सेवा में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में न मात्र गृह विभाग में बल्कि सभी विभागों में जितने पद रिक्त हैं उनको उच्च प्राथमिकता पर भरने के लिए प्रयास चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार विभिन्न आयोगों द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, परिणाम घोषित हो रहे हैं और पूरी स्वच्छता के साथ में चयन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का यह साफ निर्देश है हम सब लोगों को कि जितनी रिक्तियां हैं प्लस विभागों में अतिरिक्त आवश्यकता है उसके अनुसार पद सृजित करके नियुक्तियों को गति दी जाए। मुझे आज के इस अवसर पर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 2,20,000 पदों की अधियाचना रोस्टर अप्रूवल के बाद सभी आयोगों को भेजी जा चुकी है, जिसकी नियुक्ति विभिन्न चरणों में है और लगभग 2,80,000 उसके बाद रिक्त पद बचे हुए हैं जिनकी अधियाचना बनाने की कार्रवाई चल रही है। और मिशन मोड में ये 2,20,000 प्लस 2,80,000 लगभग 5,00,000 पदों को भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई सभी विभागों के द्वारा की जा रही है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, DGP साहब ने बिहार पुलिस अकेडमी के बारे में बात की थी। गया में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, वह भी देश का सबसे अच्छा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में से एक है। उसमें भी पुलिस के अलावा अन्य सभी सेवाओं के कर्मियों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बनाने, हाईएस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज, उसमें सभी प्रकार के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और वे सभी अपने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध हैं। मैं आप सभी नवनियुक्त अधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा कि अपने ट्रेनिंग को पूरी गंभीरता के साथ लें, उसमें न मात्र अपनी क्षमता विकसित करें बल्कि टेक्नोलॉजी के संबंध में जो जानकारी वहाँ है वो अपना आत्मसात करें, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम आने वाले समय की बहुत बड़ी चुनौती है। आप सभी नए पढ़े लिखे बच्चे बच्चे हो, सब में क्षमता है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि राज्य में साइबर क्राइम के कंट्रोल में उतनी क्षमता विकसित हो सके। ड्रग और मानक तस्करी ये दो और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिस पर आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए और अपने कार्य के दौरान इस पर अत्यधिक विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आप सभी को पुनः अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आपका पूरा कैरियर सुख में रहेगा और आप नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सभी पदों पर मिशन मोड में बहाली होने जा रही है। अब आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। मेन है CGL4। देखिए CGL4 की वैकेंसी दोस्तों बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। जिस तरह से आप देखिएगा BPSC, तो BPSC में कभी आप सोचे थे कि इतने अधिक पदों पर वैकेंसी आ सकती है, उसी तरह से आप लोगों को CGL4 में भी बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा BPSC में
टोटल जो सीट है दोस्तों 2027। अब देखिए 2027 आ जाए या फिर 4000 आ जाए, रिजल्ट किसका होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिएगा बीपीएससी में क्या है कि पैटर्न थोड़ा अलग है, इसका मेंस आपको डिस्क्रिप्टिव लिखित देना है। तो जो पहले से तैयारी किए रहेंगे मेंस, ये सब नए स्टूडेंट अगर पीटी पास भी कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि अगले चरण में छट जाएंगे। तो अगर आप सीजीएल 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए ये बीपीएससी लेवल से रिलेटेड पोस्ट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको यही बहाली बीपीएससी से देना पड़ेगा। पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव दीजिएगा, फिर इंटरव्यू, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर नियमावली में चेंज इन सभी चीज़ों को लेकर मांग किया जा रहा है, तो फिर जब नियमावली में चेंज हो जाएगा तो फिर होगा क्या कि आपको इन सभी चरणों से गुजरना पड़ेगा यही लेवल 7 वाले जॉब को लेकर। अभी देखिएगा बीपीएससी में 2000 सीट है, इसमें से लगभग दोस्तों 1000 प्लस ऐसे सीट है जो कि लेवल 7 से ही संबंधित है। तो अगर आपका सचिवालय सहायक यानी एएसओ पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो बीपीएससी में नहीं भी होगा तो आपके लिए कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं रहने वाली, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चलो यहाँ पर कम से कम लेवल 7 वाला तो जॉब है। अब ये है कि यहाँ पर आप सभी सचिवालय सहायक के इंतजार में, तो इसको लेकर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्नातक स्तरीय यानी चतुर्थ लेवल की बहाली होनी है। फोर्थ सीजीएल यानी कि स्नातक स्तरीय वैकेंसी है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो भी ग्रेजुएशन पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीट बहुत अधिक रहने वाला है। सीट को लेकर कौन कौन अपडेट जानना चाहते हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड भी अपडेट कर देंगे। देखिए वैकेंसी को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, गवर्नमेंट की ओर से देखिएगा तो वैकेंसी को लेकर मिशन मोड में काम किया जा रहा है, जैसा कि आपको कई बार बताए हैं। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट होगा। और रिजल्ट के लिए देखिएगा सबसे मेन ये है दोस्तों कि अभी देखिएगा इंटर लेवल की परीक्षा, तो आप में से जो भी फॉर्म भरे अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपका इंटर लेवल पीटी में रिजल्ट हो जाता है तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में क्या रहेगा कि आप बेहतर रहिएगा। अभी अगर आप इंटर लेवल में ही रिजल्ट नहीं ले पाइएगा तो फिर सीजीएल 4 में रिजल्ट लेना आपके लिए और मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि देखिएगा सीजीएल 4 में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर सीट जो है जो भी आएगा उसका 5 गुना रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिएगा लाखों में रिजल्ट आएगा इंटर लेवल में। क्योंकि यहाँ पर सीट इसमें भी 17-18 हज़ार होने जा रहा है, तो अगर 17-18 हज़ार तक चला जाएगा तो लगभग 90 हज़ार रिजल्ट आएगा। लेकिन सीजीएल 4 में क्या होता है कि 5 गुना, इसमें देखिएगा 10 से 15 हज़ार, पिछली बार 11 हज़ार स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया गया था, 11,200 का 2248 सीट था उस अनुसार। तो इस बार पिछली बार से अधिक सीट रहने वाला है तो रिजल्ट भी अधिक आएगा। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ सीमा इन सभी चीज़ों को अभी से आपको अच्छे से तैयारी करके चलना है। और एप्लीकेशन पर देखिएगा तो अभी से आप लोगों को तैयारी शुरू करवा दी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी है ये सब चीज़ें अभी से आपको कंप्लीट करते चलना है। क्योंकि जीके साइंस में देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है, और साथ में मैथ रीजनिंग में देखिएगा जो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन रहती है कभी ना कभी बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं में पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए यहाँ पर वैकेंसी को लेकर भले यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने में समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पीटी एग्जाम को लेकर ज़्यादा आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सभी वैकेंसी का टारगेट ये है दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर 10 लाख सरकारी नौकरी पूरा करना है। टीचर से रिलेटेड हो गया, बिहार कार्यालय परिचारी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है 40,000 प्लस पोस्ट पर, इंटर लेवल, सचिवालय सहायक सीजीएल 4, नोटिफिकेशन में कुछ भी डिले हो लेकिन आप लोगों की पीटी परीक्षा तुरंत ली जाएगी। मेन तो देखिएगा पीटी तक ही समय लगता है, पीटी जैसे ही लिया जाता है तुरंत इसका रिजल्ट, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम और अन्य चरण में समय लगेगा ही नहीं। क्योंकि ना तो इसमें टाइपिंग है, ना ही फिजिकल है, ना ही इंटरव्यू है, बस आप लिखित परीक्षा दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इससे बेहतर जॉब आपके लिए नहीं हो सकता, तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। करेंट अफेयर्स पर भी आपको ध्यान देना है, पिछली बार 13 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा गया था, इस बार आपको 15 से लेकर के 18-20 क्वेश्चन तक करेंट का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। और बिहार एसएससी का ये ट्रेंड रहा है कि पिछले एक साल का नहीं, 1.5 से 2 साल तक का करेंट अफेयर्स पूछ दिया जाता है। तो हम आप लोगों को देखिएगा बिहार एसएससी का जो पैटर्न है उसी अनुसार फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में लग जाइए। बाकी यहाँ से आप सभी वीडियो देख ही लिए। और देखिएगा वैकेंसी को लेकर तो पिछले साल ही यहाँ पर ये सब देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधियाचना को लेकर चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी को लेकर लेटर लिखा जा चुका है सब कुछ। और अभी देखिएगा तो कुछ दिन पहले फिर से यहाँ पर रिमाइंडर भेजा गया रोस्टर को लेकर हर एक विभाग को। बिहार में 45 प्लस विभाग है तो सभी विभाग के पास भेजा गया कि आपके पास जो भी सीट है सब कुछ भेजिए, जिससे जल्द से जल्द बीएसएससी आयोग के पास अधियाचना भेजी जाएगी और तुरंत नोटिफिकेशन सब कुछ आएगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है लेवल 7 वाला 80,000 सैलरी वाला जॉब लेना चाहते तो अभी से आप सभी सीरियस होकर आज से ही तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आने के बाद नोटिफिकेशन आने के बाद आपको कुछ समय ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुरंत पीटी एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, मेंस एग्जाम। अब यहाँ पर फाइनल तक वहीं पहुँच पाएंगे जिसका तैयारी बेहतर होगा।